सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट कैसे टॉप 3 बेस्ट ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ आने वाले स्मार्टफोन की, जिनकी कीमत दोस्तों आपको 12,000 रुपये से भी कम देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इन स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलेगा तीनों ही स्मार्टफोन में। इसका मतलब ये है बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ। सो अगर दोस्तों आप कोई नया ओप्पो का ब्रांडिंग के साथ स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं दोस्तों टैग स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो माय लिस्ट में आने वाला दोस्तों सबसे पहला स्मार्टफोन है ओप्पो A55। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को। आउट ऑफ द बॉक्स से एंड्रॉइड 11 पर काम करता है और ये स्मार्टफोन आपको कलर वेयर्स पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में हम पहले स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करेंगे, फिर दोस्तों प्राइस की बात करेंगे और फिर दोस्तों स्मार्टफोन की बात करेंगे कि कौन से फीचर्स के अच्छे हैं और कौन से फीचर्स आपको निराश करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इस तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। फोन के अगर फीचर्स की बात करें A55 की, तो इसके अंदर दोस्तों आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों आपके 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। मीडियाटेक का हेलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। 2.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर 12 नैनोमीटर पर बेस है ये प्रोसेसर। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में एक 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है 18 वोल्ट के चार्जर के साथ। बैक में है 3 सेंसर, मेन है आपका 50 मेगापिक्सल का, 2 का माइक्रो लेंस, 2 का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो दोस्तों ये है इसके फीचर्स, साथ ही इसमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की कीमत की, कीमत आपको दोस्तों 10,899 रुपए देखने को मिलेगी। इसके 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज यानी कि इसके बेस वेरिएंट की। दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर स्मार्टफोन को आप परचेस करना चाह रहे हैं ऑनलाइन मार्केट से, तो अगर आप Amazon से स्मार्टफोन को सर्च करते हैं तो आपको कई प्राइस देखने को मिलेगी, जिसमें आपको स्मार्टफोन 12,000 से क्रॉस वाला भी देखने को मिलेगा और 10,000 से कम यानी कि जो प्राइस मैंने बताई 10,899 उससे भी कम की प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप थोड़े रिसर्च करके स्मार्टफोन को लेना Amazon से, ताकि आपको ये सस्ते में मिल सके। हाँ, इस फोन के अगर फीचर्स के अच्छे और बुरे की बात करें तो हाँ, स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको निराश करती है। प्रोसेसर के मामले में बस ये बैलेंस कह सकते हैं इस फोन को, बाकी खास तो कुछ होगा नहीं इस स्मार्टफोन को, क्योंकि ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ सस्ते में कुछ खास देते नहीं है। साथ ही बैटरी और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये हमारे दोस्तों लिस्ट में है पहला स्मार्टफोन। अब बात करते हैं दोस्तों आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की। लिस्ट का हमारा अगला स्मार्टफोन है ओप्पो A54। ये स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च हुआ था 20 अप्रैल 2021 को। आउट ऑफ द बॉक्स ये वैसे एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिला था। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी कलर वाइज देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हेलियो P35 देखने को मिलता है। ये भी प्रोसेसर 2.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर ही आता है और 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। साथ ही 6.5 इंच की एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक पे इस पे 3 सेंसर देखने को मिलते हैं, मेन है 13 मेगापिक्सल का, 2 का माइक्रो लेंस, 2 का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में इसमें भी 16 मेगापिक्सल की ही सेल्फी देखने को मिलती है। उसी के साथ 5000mAh की बैटरी है, 18 वोल्ट का चार्जर, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज एक्स्ट्रा इसके अंदर बढ़ाया जा सकता है SD कार्ड के जरिए। कीमत इसकी 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की 11,990 रुपये देखने को मिलती है Amazon के ऊपर से। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्मार्टफोन का कैमरा निराश करता है। बैक में फ्रंट में ठीक है, लेकिन बैक का कैमरा आपको निराश कर सकता है। बैटरी अच्छी इस स्मार्टफोन की है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छी बात है। प्रोसेसर की बात करें तो वो बैलेंस देखने को मिलता है और साथ ही डिस्प्ले भी आपको इसकी सिमिलर निराश ही करेगी, क्योंकि ओप्पो जैसे कि मैंने कहा कम कीमत में अच्छे फीचर्स देता ही नहीं है, वैसा ही आपको A54 देखने को मिलता है। लेकिन ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ ये बेस्ट स्मार्टफोन है इस कीमत पे, इनसे अच्छे फ़ोन है नहीं। अगर आप ओप्पो की स्पेसिफिक ओप्पो ही देखते हैं कि ओप्पो का ही फ़ोन लेना है, तो इनसे अच्छे कोई ओप्पो के फ़ोन है नहीं इस प्राइस रेंज में। वहीं दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी फ़ोन की, फिर दोस्तों तीनों में से भी एक बेस्ट चुनेंगे आपके लिए, ताकि आप उसको भी ले सकें, ताकि समझ तो जाएं कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। सो तीसरा फ़ोन हमारा है ओप्पो A16। ये स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च हुआ था 20 सितंबर 2021 को। आउट ऑफ द बॉक्स से काम करता है एंड्रॉइड 11 पर, इसमें भी कलर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें मीडियाटेक का लिए G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 6.5 इंच की डिस्प्ले है, जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बैक पे इसमें 3 सेंसर हैं, मेन है 13 मेगापिक्सल का, 2 का माइक्रो लेंस, 2 का मोनोक्रोम सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट में इसमें है 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, साथ ही 5000mAh की बैटरी है, कोई फास्ट चार्जर देखने को मिलता नहीं है। उसी के साथ साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और सेम 256GB इंटरनल स्टोरेज इसमें भी बढ़ाया जा सकता है एक्स्ट्रा SD कार्ड के जरिए। कीमत स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो इसके बेस वेरियंट की कीमत 9,999 रुपये ही है। सिर्फ 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, ज़्यादा वेरियंट लेना है यानी कि 6GB लेना है तो वो भी आपको 12 से कम में ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने बेस की बात करी, ताकि आप सस्ते से सस्ते में भी कोई बेस्ट स्मार्टफोन चुन सके 12 से कम।
की कीमत में। सो ये हैं दोस्तों हमारे ऐसे टॉप थ्री स्मार्टफोन ओप्पो के 16 के। अगर फीचर्स की अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपको कई चीज़ नेगेटिव देखने को मिलती है, जैसे कि इसके अंदर फास्ट चार्जर नहीं है, इसके अंदर आपको अच्छा कैमरा नहीं देखने को मिलता है, साथ ही आपको इसके अंदर डिस्प्ले तो वही जो सेम है सब में अंदर, तो खास या अच्छी या बुरी तो कह नहीं सकते, ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ बात कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। प्रोसेसर भी ठीक बैलेंस देखने को मिलता है। सबसे बड़ी कमी है इसमें फास्ट चार्जर नहीं है और कैमरे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, कैमरा इतना खास बिल्कुल भी नहीं है स्मार्टफोन का कि लिया भी जा सके, तो इसलिए आप इसके नेगेटिव पॉइंट भी जान लीजिए। तो दोस्तों ये हमारे ऐसे टॉप थ्री स्मार्टफोन जो आप ले सकते हैं। अगर आप ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ ही कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो आप इसमें से ले सकते हैं 12,000 से कम की कैटेगरी से। आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया इस बारे में कमेंट जरूर करें। मैं आपको एक पर्सनल रेकमेंड करूं तो आप ओप्पो A55 को ले सकते हैं, फीचर्स के ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, आप उसमें आप 10,899 फिलहाल मैंने प्राइस देखी है, लेकिन अगर आप उसका थोड़ा रिसर्च और करेंगे अमेजोन के ऊपर से तो शायद आपको और कम में वो स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। बाकी ओप्पो A54 भी आप एक अच्छी चॉइस कह सकते हैं, लेकिन हाँ 55 से अच्छा वो नहीं है, तो आप इसलिए 55 को लें अगर आपको ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ ही कोई स्मार्टफोन लेना है इस 12,000 से कम की कैटेगरी में। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।